हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रशांत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्ड फाइल को कैसे ओपन किया जाता है, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ड फाइल का इंट्रोडक्शन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं वर्ड फाइल का इंट्रोडक्शन। अब ये वर्ड फाइल का इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, हमको ये भी पता होना चाहिए। टाइटल बार क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, फाइल मेन्यू क्या है, मैक्सिमाइज रिस्टोर कहाँ से कर सकते हैं, स्क्रोल बार क्या है, तो यही सब ऑप्शंस को हम डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये वर्ड फाइल ओपन हो चुका है। अभी आप देखोगे तो स्टार्टिंग में है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जिसमें हम काम कर सकते हैं, न्यू काम करना है वो। और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे टैम्पलेट्स है, जो कि रेडीमेड टैम्पलेट्स है। अगर हमको रिज्यूमे बनाना है, और बहुत सारे लेटर्स के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ब्लॉग पोस्ट है, तो यहाँ पे हम रेडीमेड कुछ भी काम कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट है, फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे कुछ रेडीमेड टैम्पलेट्स में काम नहीं करने वाले हैं। हम जो काम करेंगे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो अपना डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। स्टार्टिंग में होता है टाइटल बार। अब ये टाइटल बार क्या है, हम जो भी फाइल को नाम देते हैं वो डॉक्यूमेंट वन में नाम दिखाई देता है स्टार्टिंग में। उसको हम रीनेम करेंगे, अपने फाइल का नाम देंगे, तो वहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो ये है टाइटल बार। इसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट साइड में दो तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि हमको ज़्यादातर यूज़ होने वाले ऑप्शंस है वो यहाँ पे हम एक्टिव रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम ओपन को अगर टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पे फाइल ओपन का ऑप्शन ओपन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं फाइल का ऑप्शन, जो ओपन का ऑप्शन है, उसको मैं निकाल दूंगा। तो ये था अपना क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद हम जाएंगे राइट साइड में, मिनिमाइज रिस्टोर और क्लोज का ऑप्शन है। इसके बाद फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसका हम प्रैक्टिकली में देखने वाले हैं। इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसका ये ऑप्शन को नहीं दिखा रहा हूँ। से वो है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, और आगे रिव्यू और व्यू तक ऑप्शंस है। इसको बोलते हैं टैब। अभी तक हम इसको बोल रहे थे ऑप्शंस, लेकिन उसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में टैब्स। और ये टैब में अगर आप देखोगे, होम टैब में यहाँ से लेकर पूरा ये जो ऑप्शंस है, कम से कम 25 से 30 ऑप्शंस रहेंगे। इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो रिबन है, और उसके अंदर अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल है, और एडिटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिबन। उसके बाद हम देखेंगे रूलर क्या है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये रूलर ऑप्शन है। मान लो हमको पेज का सेटअप करना है, अगर हमको प्रिंटआउट निकालना है, तो हम ये पेज रूलर के हिसाब से हम पेज को सेटअप कर सकते हैं। तो ये है अपना रूलर। इसके बाद हम जाएंगे स्क्रॉल बार पे। अगर मान लो हमको पेज को अप एंड डाउन करना है, तो हम यहाँ से स्क्रॉल बार से उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद है जूमिंग बार, यहाँ पे ये वाला राइट साइड में। अगर हमको कुछ पेज को जूम करना है, तो हम यहाँ पे प्लस टिक मार्क करेंगे तो अपना जो जूमिंग है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके लूँगा और उसी को मैं प्लस करूँगा, तो अपना जो टाइप किया मटेरियल है वो बड़ा होता जाएगा, उसका साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। फॉन्ट साइज अलग है और जूमिंग वो अलग है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको माइनस मार्क करूँगा तो अपना जो जूम किया हुआ है वो छोटा होता जाएगा। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है जूमिंग का, वो होता है 100 पे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पेज वन ऑफ वन। अभी मेरे पास फ़िलहाल वन ही पेज है, एक पेज है, इसके लिए वन ऑफ वन दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो अपने पास वन वर्ड ही टाइप किया हुआ है। मेरे पास अगर कुछ बड़ा लेटर टाइप किया हुआ रहता है, तो यहाँ पर उसका पूरा वर्ड काउंट दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिखाऊँगा क्लिक करके, तो मेरे पास ये वर्ड काउंट ओपन हो चुका है। उसमें आप देखेंगे अपने पास एक पेज है, वर्ड उसमें एक ही है, कैरेक्टर नो स्पेस 8 है, कैरेक्टर विथ स्पेस 9 है।
उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, पैराग्राफ्स कितना है तो एक है और लाइन 9 है, ठीक है। तो ये अपना वर्ड काउंट, और उसके बाद जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो स्टेटस बार है। हम जो भी काम करते हैं यहाँ पे वो छोटे छोटे विंडो में यहाँ पे हमको शो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस।